अच्छा गाइस, आज है सैटरडे का दिन, और सैटरडे के दिन आपको अगर मैं दिखाऊं तो हम लोग हैं इस टाइम कार्स की मार्केट में। यहाँ पर गाड़ियों के डेंटर, पेंटर, मैकेनिक वगैरह आपको सब मिलेंगे। सामने भी आप लोग देख पा रहे हो, गाड़ी पेंट हो रही है। और सुबह मेरे उठने से पहले जो है पापा आ गए थे पेंटर उस्ताद के पास, और गाड़ी का कुछ काम भी करवा दिया है, तो सोचा कि मैं आपको दिखाऊं। तो भाई ये उस्ताद है, ये हमारे डेंटर है जिसने अच्छा साइड वाइड बनाई है, सीधी की है। अच्छा उस्ताद, आपने क्या क्या काम किया, दिखाओ थोड़ा सा गाड़ी में। डेंट का काम था, ये लगी थी। अच्छा ये फेंडर वेंडर टेढ़ा हो गया था। हाँ सही सही सही। और ये बम्पर, ये अंदर हो गया था, ये आपने बाहर निकाला है। ये किस चीज़ से उतार आपने बाहर निकाला है? अच्छा, और उसके अलावा आपने क्या क्या काम किया? बाकी पेंटर का काम हो रहा है, ये पेंटर भराई वराई कर रही है अभी। भाई यहाँ पर जहाँ पर गल गई थी गाड़ी थोड़ी सी, और यहाँ से मतलब थोड़ी सी आउट वगैरह हो गई थी ना, वहाँ पर अभी यहाँ पर पोलीगेट वगैरह लग गया है, और अभी इसको रगड़ाई होगी ना उस्ताद? रगड़ाई होगा, लापी लगेगा, अस्तर लगेगा, फिर रंग होगा, फिर कलर होगी। आज के दिन में काम हो जाएगा इंशाल्लाह। चलो भाई ठीक है, देख लेते हैं। बाकी यार गाइस, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो बम्पर वगैरह को पोलीगेट लग गया है, जहाँ जहाँ से टूटे फूटे हुए थे वहाँ पर आप लोग देखो यहाँ पे सिस्टम सेट हो गया है। ये बम्पर भी पूरा ओके हो गया है। यहाँ पर ना भाई पहले छिलके वगैरह इसके उतरे हुए थे, अगर आप मेरे पुराने व्लॉग्स देखोगे ना तो ये सही नहीं था। अब बहरहाल जो इसका बम्पर है वो कलर वगैरह ठीक हो जाएगा, और कुछ पीस और हैं गाड़ी के वो कलर हो जाएंगे। बाकी आज ये जो उस्ताद है हमारे पेंटर, इन्होंने काम स्पीड में किया भाई, इतनी जल्दी जो है ना और कोई काम नहीं कर पाएगा। तो अभी बहरहाल अभी ये कलर का काम होगा, रगड़ाई वगैरह होगी, तो जो होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। भाई बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल होता है कि रबिंग पॉलिश क्या होती है और कैसे होती है, तो अभी यहाँ पर हमारे लाला भाई पॉलिश कर रहे हैं गाड़ी को। लाला भाई कैसी पॉलिश कर रहे हो इसको भी? भाई अभी इसको लिक्विड खाली मार रहे हैं। लिक्विड कौन सा लिक्विड है ये वाला? ये काटे के, जी जी ये भाई लिक्विड है। अच्छा पहला पोर्शन ये नहीं, ये सिर्फ अलग से लिक्विड मारी जाती है शाइनिंग के लिए। अच्छा ये तकरीबन 15 दिन पहले हुई है ग्लास कोट ये गाड़ी। अच्छा उसके बाद वो ग्लास कोट को वापस शाइन में ला रहे हैं। अच्छा सही 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 भाई, ग्लास कोटिंग की शाइन के लिए यहाँ पर होंडा सिटी गाड़ी जो है इसको हो रही है रबिंग पॉलिश, और ग्लास कोटिंग पता नहीं कैसे हुई है, मुझे तो पता नहीं चल रहा है कि पता नहीं कैसे होती ग्लास कोटिंग, कोई सबूत नहीं मिल रहा है भाई ग्लास कोटिंग का वैसे तो यहाँ पे। बहरहाल ये गाड़ी है नए मॉडल की होंडा सिटी, और यहाँ पर मेरे ख्याल से लॉक है। लाला भाई चाबी खोले खोले अंदर से इसको। ये देखो भाई ये गाड़ी हमारी खुल गई, और इंटीरियर्स का चेक करो, बिल्कुल साफ़ सुथरा लगा पड़ा है। ये मैं आपको बात कर रहा था कि अगर आप में से किसी को भी गाड़ी के ऊपर शॉपर चढ़ानी ना, जैसे ये शॉपर चढ़ी हुई है, जैसे इधर शॉपर चढ़ी हुई है, जैसे इधर गियर नॉब पे शॉपर चढ़ी हुई है, और जैसे ये इधर हैंड ब्रेक पर शॉपर चढ़ी हुई है, और जैसे ये इंडिकेटर्स पर शॉपर चढ़ी हुई है, आप लोग किसी भी गाड़ी पर शॉपर चढ़वा सकते हो, पीछे भी, पीछे की सीटों पर भी, यहाँ पर भी, सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपये में। इससे ज़्यादा कोई पैसे नहीं लगने वाले हैं। यहाँ पर हमारे लाला भाई जो अभी इसकी पॉलिशिंग का काम कर रहे हैं। परवेश भाई आप क्या काम कर रहे हो? रबिंग पॉलिश का। कौन सी गाड़ी थी ये? कटर की ये जगह तैयार हो गई है। क्या कर रहे हो? रबिंग पॉलिश करी है। रबिंग पॉलिश करी है जी? कर ली है जी, कर ली है, गाड़ी तैयार है अब जगह। कंप्लीट हो गई है गाड़ी? कंप्लीट हो गई है गाड़ी, शाइनिंग जगह। अच्छा गाड़ी में क्या क्या फर्क आया मतलब अभी? ये देख लो भाई, फर्क नजर आ रहा है। हाँ हाँ भाई सही सही सही, शाइनिंग तो यहाँ पर ये गाड़ी ने पकड़ ली है। आप लोगों को दूर से नजर आ रहा होगा कि ये गाड़ी अभी बिल्कुल शाइन लगी पड़ी है। अभी ये क्या लगा रहे हो उस पे? ये लस्टर पॉलिश लगा रहे हैं। लस्टर पॉलिश किस चीजों पे? प्लास्टिक की। इन चीजों पे लगा रहे हो ताकि जी? अच्छा ताकि शाइनिंग मारे। शाइनिंग मारे। ओके ओके ओके। लिक्विड ये रहा भाई, अभी मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि ये कैसे लगेगा। लाला भाई अभी लगा रहे हैं यहाँ पर लिक्विड पॉलिश, उसके बाद कौन सी पॉलिश होगी? उसके बाद नॉर्मल वैक्स होगी। नॉर्मल वैक्स होगी ये वाली जी, ये कॉस्मिक। अच्छा, होगी। ठीक है भाई, अभी देखो ये दोबारा से लाला भाई इस पे लगा रहे हैं। अच्छा लाला भाई कुछ लोग यार इस पॉलिश के साथ पानी के छींटे भी मारते हैं। नहीं नहीं वो तो गलत है ना। अच्छा वो गलत है? बिल्कुल सही सही। लेकर आपका काटेंगे। अच्छा पानी जो होगा ना जी, ये पैड है, पैड गर्म होता है। अच्छा पैड गर्म होता है और पानी लगा हुआ होगा तो वो रिबिन भी साथ लगी हुई होगी, सही तो आपका लेकर काटेगी। ठीक है भाई, अभी यहाँ पर ये फिर से मशीन चालू हो रही है इसके ऊपर रबिंग पॉलिश। भाई देख लो ऐसे होती है, ये मशीन पूरी घिसाई जाती है इस पॉलिश के साथ। जैसे कि ये गाड़ी अभी कंप्लीट हो गई है, मैं आपको दिखाऊं गाड़ी ने पूरी की पूरी शाइनिंग पकड़ लिया है। अच्छा परवेश भाई ये कल्टस गाड़ी के आपने क्या चार्जेस लिए? 3500 रुपये पूरी गाड़ी के? पूरी गाड़ी के सर्विस समेत। सर्विस समेत मतलब कि फिर आप महंगे हो ना लाला भाई के हिसाब से? नहीं सर्विस भी तो कराई है ना इसकी। अच्छा सर्विस फुल सर्विस कराई है? फुल सर्विस कराई है। ठीक है भाई ठीक है। पूरी गाड़ी वो चार्जेस होते हैं। अच्छा ₹1000 की फुल सर्विस? जी फुल सर्विस होती है भाई, फुल सर्विस ही गाड़ी हुई है और पॉलिश भी हो गई है। और अभी ये जो सिटी है इसकी बारी है, पहले पूरी गाड़ी पे ये सॉल्यूशन लगेगी। इसको क्या बोलते हैं लाला भाई? इसको लिक्विड पॉलिश। लिक्विड पॉलिश बोलते हैं, ये लिक्विड पॉलिश पहले पूरी गाड़ी पे लगेगी, उसके बाद ये कॉस्मिक की पॉलिश लगेगी। मतलब कि अभी भाई प्रोसीजर काम का चल रहा है और इसको मेरे हिसाब से 2-3 घंटे और लगेंगे। देखते हैं अभी यहाँ पे और गाड़ी कितनी कवर होगी। भाई अचानक चाचू मिल गए थे, गाड़ी लेकर आए अपनी सर्विस के पास, मतलब सर्विस स्टेशन जो हमारे मामू की है वहाँ पे ले आए हैं।
और अभी गाड़ी को पानी वगैरह लगवाएंगे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई अब गाड़ी की क्या सिचुएशन है। अच्छा तो भाई अभी हम लोग उस्ताद के पास आ गए। उस्ताद गाड़ी कितने टाइम में कलर हो जाएगी? दो तीन घंटे लग जाएंगे। कलर ले आए हो गाड़ी का? कलर कौन सा है गाड़ी का? इनमें से अंदर रखा हुआ है। चलो ठीक है, ठीक है भाई मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ। मैंने सोचा कि बम्पर पीछे वाला कर लिया। अच्छा हाँ ठीक है, मैं दिखाता हूँ भाई। पिछला जो बम्पर है वो भी मैंने जो है उस्ताद बोल रहे हैं कि मैंने कर दिया। कल ये नहीं हुआ था, इसमें बेसिकली इशू ये था कि थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से यार ये ख़राब था, और नीचे ये अभी देखो पॉलीगेट भरा गया है, और अभी ये पिछला बम्पर भी सेट करवा रहे हैं अबू। और बाकी जो है आप यहाँ से देख पा रहे हो ये बम्पर की सेटिंग हो रही है। इस तरफ से भाई गाड़ी क्लियर थी, इस तरफ से कोई मसला नहीं था। बाकी बम्पर ये रहा, अब बस इनको रगड़ा ही होनी है और फिर इन पर कलर होना है। अस्तर अस्तर शायद लगेगा मेरे ख्याल से इन पर, तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ। और ये इधर से भी देख लो, अब ये साइड यार साफ़ हो गई है, मतलब कि अब मसला नहीं है। पहले यहाँ पर थोड़ा सा इशू था, अब ये ठीक हो गई है। तो मैंने यार बस अभी ये काम होना है, और मैं सोच रहा हूँ कि यार आपको गाड़ी की फाइनल लुक जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊं। बहरहाल यहाँ तक गाड़ी का इतना काम तो हो चुका है। कज़न भी मेरा भाई यहाँ पर आ चुका है, इसलिए उसको मैंने बोला कि आओ तो मैं अपनी गाड़ी दिखाऊं। बाकी चाचू वहाँ पर हैं, वो उधर सर्विस स्टेशन पे। तो यार इस व्लॉग को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।